Mutrajan. If I miss anybody, I'm really, really sorry. It was not intentional. All the members of the house, Assalamu alaikum to everybody. I want to know two things. In which language do you want me to speak? I was told that, you know, I must speak in Urdu. Inshallah, definitely I will speak in Urdu also. And how much time is given to me? Because I know that we've been after the Umri, the time will be very short. And there will be price distribution ceremony also. 20 minutes. I'll speak in that. My appraise. जब मुझे दारू किया गया तो कहा गया कि जो है मैं बीजापुर से हूँ। वैसे पैदाइश तो मेरी बीजापुर में हुई, लेकिन ईमान कर्नाटक से हूँ। मेरा मान यहाँ दादिया सब जगह करना पड़ता है। वहां पर अपना बहुत थे, उनका चरण का व्यापार था, इसी सिलसिले में वहां पर पैदा हुआ था। शुरू की तालीम वहां पर हुई थी। बाद में जो है मैं मद्रास आ गया और उसके बाद जो है मैं कर्नाटक में इस्लामिक हायर सेकेंडरी स्कूल में जो वहां पर जो है मेरे साथी हैं जमात के जो है वहां पर मैंने दाखिला लिया। फिर प्लस टू वहीं पर मैंने किया। इस मजलिस में दो शख्स ऐसे हैं जिस वजह से वो बहुत नर्वस हैं। वैसे तो यहाँ पर सीने के बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं घबरा रहा हूँ, लेकिन वो दो शख्स ऐसे हैं जो मेरे असामिता हैं। एक तो मेरे अभी हजरत यहाँ पर बैठे हुए हैं और वहां पर जो है मेरे वाणी हजरत बैठे हुए हैं। इनका मैं स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ इन्हीं युवा वर्कर से। तो पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और इन दोनों सरकार को जो है मैं सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ। और फिर मुझे आपके इस यूनिवर्सिटी में आज के दिन जो है स्पोर्ट्स डे सदारत के लिए मुझे बुलाया गया है। जब गेम्स के सुपरिटेंडेंट हाफिज मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब उमरी ने मुझे फोन पर दावत दी तो मैं बहुत खुश हो गया मैं, क्योंकि मैं कर्नाटक से हूँ और उमराबाद के जरिए से जो मैं आपको जाता आता हूँ 25-30 साल से। कभी खाओ खाए में मैंने नहीं सोचा कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे आज का दिन यहाँ पर इस तरह जो है मुझे ये एहसास मुझे मिलेगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। फिर कल यार परसों मुझे याद है, उन्होंने मुझे फोन पर मुझे फिर बात किया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा प्रोफाइल नंबर मैं भेजूँ, जो प्रोफाइल है ना जो मेरे बारे में, तो उन्होंने मैंने मेल कर दिया मैंने। तो फिर उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे एक सवाल आपसे पूछनी है। उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा होगा और उनका एक सवाल था कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं मुझे स्पोर्ट्स से कहीं दिलचस्पी है। 6-7 पेज का प्रोफाइल था और उन्होंने मेरे ख्याल में बड़े गौर लोगों से देखा होगा और कई बल्कि जो है मेरा इंटरेस्ट उस पर उनको नजर नहीं आया। इस सवाल के सुनते ही मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। तो मैंने पूछा कि आपने हर आदमी को जो है बुलाया है। पूरे एयर में जो है मैंने कभी जो है प्ले ग्राउंड की तरफ नहीं गया है, ये हकीकत। और आज के दिन आज के आपकी यूनिवर्सिटी का जो है सलाह का जवाब दे रहा हूँ, तो मैं सोचा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर जो है मैं सोचा कि इस काबिल में हूँ, इसलिए जो मैंने खोला मैं ही जानता हूँ कि मैंने क्या खोला है। कहते हैं ना कि जो है मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, दोस्ती याद आती है बिछड़ जाने के बाद। तो इसी तरीके से कि जो मैंने खोया ये आपको नहीं खोना चाहिए, ये बात मेरे जहन पे आई। तो फिर किस लैंग्वेज पे आपके सामने मुझे बात करनी है? हम तो दस नौ प्लस टू में उनको उर्दू कुछ पढ़ाया, उसके बाद मैंने उर्दू पढ़ाई नहीं। मैंने प्रश्न जो है 1980 में किया था, उसके बाद आप साथ लगा ले कितने साल हो गए।
लीडरशिप जो कहते हैं क्या और इसी चीज जो कहते हैं जो वर्कशीप जो टीम बन का आप सोचते कैसे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ मैं हकीकत हमेशा सच बोलता हूँ आपके बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे डिसिप्लिन को उर्दू में भी कहना चाहिए आपको जो है उसके बाद जो है लीडरशिप को भी उर्दू में है बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है वो जिसने असलूब सिखाया इंसानों को जीने का अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का वो जिसने असलूब सिखाया इंसानों को जीने का अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का है सालार मदीने का कहने से फिर क्यों शर्माए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने जज्बाए ईमान ने तूफानों से क्यों घबराए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है सब कांटे जंजीरों को तोड़ दिया डट के हर जालिम के आगे जुल्म का धारा मोड़ दिया तौक गुलामी के सब कांटे जंजीरों को तोड़ दिया डट के हर जालिम के आगे जुल्म का धारा मोड़ दिया जुल्म का धारा मोड़ दिया कसरे इस्तबदाद गिराए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है मजबूरों दर गौर वजूदे जन को नंगो नाम दिया रिश्तों को तकदीस अता की शर्म हया इनाम दिया मजबूरों दर गौर वजूदे जन को नंगो नाम दिया रिश्तों को तकदीस अता की शर्म हया इनाम दिया शर्म हया इनाम दिया अपनी गैरत बहने माए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है जंगल की तहजीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया डर से मोहब्बत से दुनिया को जन्नत की तमसील किया जंगल की तहजीब तमद्दुन को हमने तब्दील किया डर से मोहब्बत से दुनिया को जन्नत की तमसील किया जन्नत की तमसील किया हमने दी पुर अमन फजाए हम एक जिंदा कौम है तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है
طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں. جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے, فولادی چٹان پگھل کر رستے سے گھٹ جاتی ہے. گرم لہو کی حدت جب کچھ کرنے پہ اکساتی ہے, فولادی چٹان پگھل کر رستے سے گھٹ جاتی ہے. رستے سے گھٹ جاتی ہے, دریاؤں کے دل دہلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں. بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں. بام سریا کے زینوں پر تیز قدم گر چڑھنا ہے, تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے. بام سریا کے زینوں پر تیز قدم گر چڑھنا ہے, تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں آگے بڑھنا ہے. میدانوں میں آگے بڑھنا ہے, جان جہالت سے چھڑوائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. قیصر و کسریٰ کی شاہی کو ہم نے ہی پامال کیا, امیدوں سے روشن مستقبل ہم نے افضال دیا. قیصر و کسریٰ کی شاہی کو ہم نے ہی پامال کیا, امیدوں سے روشن مستقبل ہم نے افضال دیا. مستقبل افضال دیا, ٹھوکر سے کوہسار ہٹائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے. دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے, طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک